ठीक है पांडे साहब, हाँ अब यही वाला भिजवा दो। ठीक है, ओके ओके। प्रतिभा जी, यार मेरा कुर्ता निकाल देना। अभी लाइए। ये लीजिए। हाँ प्रतिभा, क्या हुआ तुम्हें? मेरे कुर्ते की जगह साड़ी निकाल के रख रही हो? मैं भी कितनी पागल हूं, अभी लेकर आती हूं। अच्छा प्रतिभा, सुबह का आलू का मसाला बचा है क्या? मुझे शाम के खाने में देना, बहुत टेस्टी था। सुबह से पहली बार कुछ अच्छा सुनने को मिला। आहा, आंखों ने जन्नत देख ली, दिल दरिया हो गया। अपनी जिंदगी से ये बस इतना ही तो चाहती है, कोई इसे सराह दे, तारीफ के दो बोल बोल दे, अपनी जद्दोजहद के लिए इसे फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी। प्यार की बातों की तिजोरी हम मिडिल क्लास औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रतिभा, आज पीहू का पीटीएम था? यही सही वक्त है प्रतिभा, बता दे महेंद्र को बेटी की सच्चाई और उस चुड़ैल की पैर खिंचाई। एक तीर से दो शिकार, मार प्रतिभा मार। पीहू, अगर मॉम को पता चल गया तो तुम्हें तुम्हारी हेडफोन्स नहीं मिलेंगे। पीहू, आज तुम्हारा पीटीएम था, तुमने बताया क्यों नहीं किसी को? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। पापा, मैं मां को लेके गई थी पीटीएम में। क्या माँ को बताया था मैंने? अरे ये तो कमाल हो गया भाई, ये तो सरप्राइज है मेरे लिए। ओ मैं बताने ही वाली थी आपसे, लेकिन प्रतिभा ये तो बहुत अच्छी बात है। I'm happy. क्या बात है भैया, आज इतना हैप्पी क्यों? संजीव, आज पराठे और पराठे बनाने वाली तेरी भाभी ने मुझे सरप्राइज दे दिया। हाँ हाँ, कर लीजिए भाभी की तारीफ। और पीहू तो अनमोल। चलो, बहुत फोन पर लगे रहते हो, बैठो। अच्छा प्रतिभा, पीहू का पीटीएम कैसा रहा? तुम पहली बार गई थी पीटीएम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक था। पलन, धन्य हो देवी जी, धन्य। अपने लिए सच तो कह नहीं सकती, औरों के लिए झूठ बोलना आता है। कब समझेंगी ये माए कि बच्चों को बचाने के लिए बोला गया उनका झूठ उन्हें मुसीबत में ही डालता है।
बेचारी प्रतिभा भी तो आज एक बड़ी मुसीबत में फंस